मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप क्या है? मल्टी कैप ही था ओरिजिनल, लेकिन सेबी को लगा कि ये जो मल्टी कैप फंड्स है ना, ये मल्टी कैप की तरह बिहेव नहीं कर रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि आप मल्टी कैप की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। मल्टी कैप में तीनों कैप्स का, स्मॉल, मिड एंड लार्ज का कॉम्बो होना चाहिए, राइट? तो कॉम्बो होता था, लेकिन ज्यादा वेटेज लार्ज कैप को दिया जाता था। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात हो गई, तो आप लार्ज कैप ही रखो, आप ये क्या तरीका है भाई। तो उन्होंने कहा सितंबर 2020 में कहा कि भाई इसको आप ऐसा करें कि 25% मिनिमम आपको लार्ज, मिड और स्मॉल में देना ही पड़ेगा ईच। हाँ जी, उसके पहले, हाँ उसके पहले खुला मैदान था, जैसे मन है वैसे करो आप। 2% भी रख सकते हो स्मॉल कैप, 5% मिड कैप और बाकी सारा आप डाल दो। तो लोग जबरदस्ती नाम के लिए मल्टी कैप बोल के, लेकिन ये उनकी भी गलती नहीं है। जब कोई क्लियर मैंडेट नहीं है तो वो तो कोशिश वही करेंगे ना फंड मैनेजर की, मैक्सिमम रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट? तो सेबी को नहीं भाया, सेबी ने कहा बदलो। तो फंड हाउस ने कहा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े बड़े एयूएम वाले फंड्स हैं उनके लिए इतना सारा ऑफलोड करना, जो अगर मान लीजिए कि आपका लार्ज कैप 60% या 50% था, उसको ऑफलोड करके खरीदना थोड़ा हड़कंप मच जाएगा ये तो बाजार में, क्योंकि वो तो बड़ी बाइंग सेलिंग हो जाएगी। उन्होंने बात करी तो सेबी ने कहा अच्छा एक तरीका देता हूँ तुम्हें, तुम चाहो तो फ्लेक्सी कैप एक नई कैटेगरी उन्होंने इजाद कर दी, ये रहा फ्लेक्सी कैप, इसमें तुम खेलो जो खेलना है, लेकिन मल्टी कैप में तो वही रहेगा। हाँ, मल्टी कैप को मल्टी कैप रहने दो। हाँ, तो मैक्सिमम फंड हाउसेस ने अपने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप में उनका नया नाम